आप सभी को नमस्कार। प्रज्ञा मीना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस लहंगे की कटिंग और सिलाई बताऊंगी। इस लहंगे में जो पट्टा लगाया है उसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, और इसमें नीचा अस्तर लगेगा उसके लिए भी 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, और जो लहंगा है उसके लिए लिया है मैंने ये पीले कलर का कपड़ा 7 मीटर। ये कॉटन का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने ये 7 मीटर। लहंगे की लंबाई है 37 इंच। ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ ही है। पट्टा लगाऊंगी मैं इसमें 6 इंच का। लहंगे की लंबाई 37 इंच, तो मैं ऊपर का जो हिस्सा निकालूंगी वो निकालूंगी मैं 32 इंच का। तो सिलाई करेंगे तो हमारी रह जाएगी आधा इंच सिलाई में चली जाएगी, तो 32 हमारा रह जाएगी, 31.5 इंच रह जाएगी सिलने के बाद में। सबसे पहले मैं इसके पैना निकालूंगी 32 इंच के। 32 इंच में हम इसको फोल्ड कर लेंगे इसी तरह से। 32 इंच में इसको फोल्ड कर लेंगे। मैंने ये 32 इंच में फोल्ड कर लिया है। ये हमारा ये कपड़ा है एक्स्ट्रा है, इसको हम निकाल लेंगे। इसमें लहंगे का कमर के लिए चुन्नट के लिए काम आ जाएगा ये कपड़ा। इसको मैंने 32 इंच में फोल्ड कर लिया है। ये देखो 32 इंच में मैंने इसको फोल्ड किया है। सबसे पहले मैं इसको ये जो फोल्ड किया है इसको हम काट लेंगे। बत्तीस इंच में फोल्ड कर लिया है, इसमें के हम कली निकालेंगे। एक निशान लगाऊंगी मैं 7 पे और दूसरा निशान लगाऊंगी मैं 14 इंच पे। सात के सामने तो लगाऊंगी मैं 14 इंच पे निशान, 14 के सामने लगाया है मैंने 7 इंच पे निशान। अब इन दोनों निशानों को मैं मिला लूंगी। जो हमने इसके फोल्ड किया है इसको हम अलग अलग कर लेंगे। सारे जो पैनर निकाले इनको हम अलग अलग कर लेंगे पहले। अब इन कलियों को काट लेंगे।
जो कलिया जॉन्ट है उनको हम काट के अलग कर लेंगे। अब इनको हम सीधी के ऊपर सीधी इस तरह से रख देंगे सारी कलियों को ऐसे। अब मैं जो पट्टे का कपड़ा काटूंगी, ये कपड़ा है मेरा 2.5 मीटर लिया है मैंने, 7 मीटर लहंगे में लिया है 2.5 मीटर। इनको फोल्ड करके और बराबर कर लूंगी इन कपड़ों को आपस में। साढ़े छः इंच की चौड़ाई का पट्टा निकालूंगी मैं इसमें से। साढ़े 6 इंच का पट्टा निकालूंगी तो हमारा रह जाएगा इसमें 6 इंच, सिलाई के बाद में रह जाएगा 6 इंच। साढ़े 6 इंच चौड़ाई के पट्टा निकालूंगी मैं इसमें। ये अस्तर का कपड़ा है, ये पट्टे में नीचे अस्तर लगाऊंगी मैं इसका। तो इसका कपड़ा भी 2.5 मीटर लिया है, इसको भी जो पट्टा निकाला उसी तरह से निकाल लेंगे। साढ़े छः इंच पे निशान लगाऊंगी इसके भी, 6.5 इंच की चौड़ाई में निकाल लूंगी इसकी। मैं लहंगे की कटिंग कर ली है, जो नीचे जो पट्टा लगाऊंगी उसकी भी कटिंग कर ली है। अब मैं इसकी सिलाई करूंगी। सबसे पहले मैं कलियों को जोड़ूंगी। ये हमारा
ये कलियाँ इनका हमारा एक तरफ का हिस्सा तो सीधा है और एक तरफ का हिस्सा हमारा सीधा तिरछा है। तो हम जो कली जोड़ेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, कली में जोड़ते समय सीध जो हमारा सीधा हिस्सा है उस तरफ जोड़ेंगे हम तिरछे हिस्से को। तो ये मैंने एक साथ में रख दी है कलियाँ, तो हम जो ये सीधा पैना है ये सीधी कली है, तो इस कली को हम सीधी कली में जोड़ेंगे तब हमारी एक सीधी और एक उल्टी आएगी। ये देखो आप, कलियों को हम इस तरह जोड़ेंगे, ये जो सीधी तरफ एक इसको लेंगे हम, इसको छोड़ देंगे जो उल्टी तरफ है इसको छोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ेंगे सीधी तरफ से सीधी कली को जोड़ देंगे, उल्टी तरफ है इसको उल्टी तरफ जोड़ देंगे, मतलब एक छोड़ के एक कली जोड़ेंगे ऐसे, सीधी तरफ है ये सीधी तरफ की कली को सीधी तरफ की कली के साथ जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ेंगे एक कली को छोड़ के एक कली। इसी तरह हम सारे कलियों को जोड़ेंगे। मगजी का जो कपटा कली हमने सारी जोड़ लिया, मगजी का जो पट्टा है हमें जो मगजी क्या क्या इसमें जो पट्टा लगाएंगे हम इसके नीचे इसमें अस्तर लगाएंगे, इसको उसको इस तरह से जॉइंट करेंगे। इस तरह के अस्तल को और इस पट्टा को जॉइंट कर लिया है। अब इसमें हम लेस लगाएंगे, हमारे पीले कलर में एक रेड कलर की प्रिंट है और उसमें एक ब्लू कलर की प्रिंट है और एक प्रिंट है उसमें ग्रीन कलर की, तो मैं इसमें नीचे इसमें लेस लगाऊंगी, जो लेरिया में जो लेस है वो लगाऊंगी मैं रेड कलर की। तुम्हारे पास पड़ी है क्या? हम इस पट्टी को जोड़ देंगे इसको ऐसे सीधे ढंग से एकदम स्ट्रेट ध्यान ऐसे।
अच्छा एक पेज छोटा है, ये बड़ा बिल्कुल लगा लगा रहा है ना, तो कपड़ा और टांग दे दे जल्दी आने। मैं तो आ सब तो बैठे हूँ जब से। ये कपड़ा है मेरे पास, इसमें इसमें लेस के लिए कपड़ा निकाल लूँगी, ये डेढ़ डेढ़ इंच की इसमें से पट्टी निकाल लूँगी मैं। एक तो मैंने ये ग्रीन वाली लेस ली है इसमें लगाने के लिए, और जो मैंने डेढ़ इंच की जो पट्टी निकाली है इसको इसके ऊपर रखूंगी। इस तरह से मैं इसमें लेस बनाऊंगी। अब इसके ऊपर हम इस लेस को लगा देंगे ग्रीन वाली को, इस लेस अभी ये लेस हमारी लहंगे के ड्रेस से मैचिंग से लगा देंगे। इस तरह हमारे ये लहंगा बनके तैयार हो गया है।